किसानों को पीएम मोदी की सौगात, देश के 100 शहरों में किसान ड्रोन सेवा की शुरुआत की गई, अब ड्रोन से होगा कीटनाशकों का छिड़काव। पीएम मोदी ने नई सेवा को देश की नई उड़ान करार दिया है, आधुनिक कृषि व्यवस्था की तरफ नया अध्याय है, ड्रोन सेवा के विकास में मिलेगा मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी आज इंदौर में गोवर्धन प्लांट का करेंगे उद्घाटन, प्लांट में रोजाना 550 टन गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की है क्षमता। प्लांट से रोजाना 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है, पूरे एशिया में बायो सीएनजी का सबसे बड़ा प्लांट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 12,000 स्मार्ट क्लासरूम्स का करेंगे उद्घाटन, 240 सरकारी स्कूलों में होगी शुरुआत। पंजाब के सीएम चन्नी और सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज कराई FIR। चन्नी ने कल चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी मनसा में मूसेवाला का प्रचार किया था। आप उम्मीदवार विजय सिंगला की शिकायत पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई, आप नेताओं ने वोट की खातिर नियम तोड़ने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सीएम चन्नी पहुंचे बरनाला, गौशाला में गायों को खिलाया चारा। आप और सिख फॉर जस्टिस के रिश्ते की जांच होगी, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मैं खुद पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। अमित शाह ने सीएम चन्नी की चिट्ठी का भेजा जवाब, बोले कि किसी भी को भी देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। नवाब मलिक का आरोप, बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं कुमार विश्वास, विश्वास के परिवार के बीजेपी से पुराने संबंध। चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या में गोसाईगंज में भिड़े बीजेपी और सपा समर्थक, समाजवादी पार्टी के बाहुबली उम्मीदवार अभय सिंह की गाड़ी पर पथराव हुआ। बवाल के बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अभय सिंह को गिरफ्तार किया, बवाल के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया था फायरिंग का आरोप। गोसाईगंज के बीजेपी नेता का आरोप, हार की बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं अभय सिंह। अहमदाबाद ब्लास्ट फैसले पर सियासत तेज हुई, आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए हाईकोर्ट जाएगा जमीयत, मौलाना मदनी बोले विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय। सीएम योगी ने कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 में से 7 दोषी आजमगढ़ से हैं, एक मुख्य आतंकी का तो समाजवादी पार्टी से रिश्ता है। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर अटैक किया, कहा सैफई परिवार पर विश्वास कर अखिलेश करहल पहुंचे, लेकिन करहल में भी करहा रहे हैं अखिलेश यादव। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को मुसलमानों पर भी नहीं भरोसा, जाति पर नहीं यकीन, कन्नौज कर्मभूमि छोड़कर करहल आए हैं, जनता नकार देगी। यूपी में चौथे चरण का चुनाव प्रचार तेज, आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में रैली करेंगे योगी, पीलीभीत के पूरनपुर में पहली जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह भी आज यूपी में लगाएंगे जोर, दतवारी, उचाहार और रायबरेली में रैली, लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग के साथ भी संवाद। आज यूपी के रायबरेली में रैली करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को निर्देश, कहा कि स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक पीछा करें। आज यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में रैली करेंगे अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को चुनाव लड़ने के लिए मिली हरी झंडी, आर्म्स लाइसेंस को लेकर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप था। जौनपुर की मलहनी सीट से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के नामांकन पर अजीत सिंह की पत्नी ने उठाए सवाल, कहा गलत जानकारी संग भरा पर्चा। लखनऊ में हुई हत्या के मामले में मऊ के पूर्व प्रमुख अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने उठाए सवाल, बाहुबली धनंजय सिंह पर दर्ज है 10 मुकदमे। मणिपुर में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी के परिवार ने मणिपुर को ATM के रूप में इस्तेमाल किया, फिर से सत्ता में आने पर किसानों को अतिरिक्त 2,000 रुपए देने का वादा। भतीजे से विवाद के बीच ममता बनर्जी ने फिर अभिषेक बनर्जी पर जताया भरोसा, अभिषेक बनर्जी को बनाया टीम सी का राष्ट्रीय महासचिव। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर, पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकवादी ढेर, जैनापोरा इलाके में आतंकवादियों के घिरे होने की खबर। कुवैत में भारतीय दूतावास ने शशि थरूर को लगाई फटकार, भारत विरोधी चीजों को प्रोत्साहित नहीं करने की सलाह दी, पाकिस्तान के एजेंट के उसे भारत विरोधी ट्वीट को रीट्वीट किया था शशि थरूर ने। छत्रपति शिवाजी की जयंती आज, पुणे में शिव जयंती कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और मंत्री आदित्य ठाकरे हुए शामिल। शिवाजी की जयंती पर नागपुर में बड़ा उत्सव, छत्रपति की प्रतिमा के सामने ढोल और मंदरिंग बजाए। पीएम मोदी ने जयंती पर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया, कहा उनका नेतृत्व और समाज कल्याण पर जोर पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। गोवा में भी छत्रपति शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में शिवाजी की प्रतिमा पर नमन किया। तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 38 जिलों में सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। तमिलनाडु में 11 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं शहरी निकाय चुनाव, कोयम्बटूर में मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी कतार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी शहरी निकाय चुनाव में डाला वोट, चेन्नई के सीएट कॉलेज में किया मतदान। बिहार के मधुबनी में खड़ी खाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की कई बोगियों में आग लगी, ट्रेन में कोई यात्री नहीं होने से बड़ा हादसा टला। भाषा विवाद पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, धनबाद और बोकारो से भोजपुरी मगही को किया बाहर, क्षेत्रीय भाषाओं की नई अधिसूची जारी की। भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर, यूएई ने भारत के आभूषणों और भारत में सोने को घटाया शुल्क, द्विपक्षीय व्यापार को अब $100 अरब पहुंचाने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बम बरामद, जूट मिल कामगारों के घर के पास से 5 पेट्रोल बम बरामद।
आज से दो दिन के ओडिशा दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पुरी में राष्ट्रपति सबसे पहले राजभवन जाएंगे और शाम को 5 बजे श्री चैतन्य गौड़िया मठ जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के दौरे पर आज उज्जैन पहुंचेंगे। संघ प्रचारकों के साथ होगी अहम बैठक। यूपी के हरदोई में आरएसएस पदाधिकारियों ने मतदाता जागरूकता के लिए पत्रक बांटे। लोक जागरण मंच के बैनर के तले अभियान हुआ। आम लोगों से की गई वोट डालने की अपील, साथ ही सरकार की अच्छी योजना की भी दी गई जानकारी। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधान परिषद में विरोध के बाद कार्यवाही सोमवार तक स्थगित की गई। कांग्रेस विधायकों ने दूसरे दिन भी रात भर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राज्य मंत्री केएस ईश्वरप्पा के बयान को लेकर इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर ईश्वरप्पा नहीं दिया इस्तीफा तो विधानसभा में जारी रहेगा प्रदर्शन। बोरीवली में पैराडाइज नाम की इमारत में लगी आग, 24 मंजिला है इमारत, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, आग लगने की वजह साफ नहीं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बस्ती में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां। धुधुकर जल उठी आग की लपटें और पूरे इलाके में दहशत। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने LOC के पास रहने वाले लोगों के लिए बनाया स्कूल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी छात्रों के लिए विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने स्पेशल वुमेन स्क्वाड का गठन किया। स्क्वाड में 2 गाड़ियां हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाली और सड़क पर चलने वाली हर महिला की निगरानी करेंगी। एटा में यूपी का जलेसर शहर पूरे देश में अपनी घंटियों के लिए मशहूर, देश की 95% घंटियां यहीं बनती हैं। नागपुर के एक शख्स ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए अलर्ट भेजने वाला उपकरण तैयार किया, कान पर लगता है उपकरण। देश में कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई, एक दिन में 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, 325 मरीजों ने जान गंवाई। भारत में 80% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ के पास पहुंचा, कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। असम में कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 1,333 नए मामले, बीते 24 घंटे में 19 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में लोगों को 1,146 नए केस सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 4,229 लोग डिस्चार्ज, 8 लोगों की मौत। भारत ने वेस्टइंडीज से जीता दूसरा T20 मैच, 8 रनों से दी शिकस्त, T20 सीरीज पर भारत का कब्जा। भारत ने वेस्टइंडीज को 186 रनों का दिया था लक्ष्य, वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 18 साल में पहली जीत दर्ज की, क्राइस्टचर्च टेस्ट में 276 रनों से हराया। टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 111 रन बनाकर आउट हुई है, तेज गेंदबाज टीम साउदी ने 35 रन देकर छटके 5 विकेट। सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के दावों की पोल खुली, यूक्रेन के बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों के अलावा S-400 सिस्टम और सुखोई विमान अब भी तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि मुझे पक्का विश्वास है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का कर लिया है फैसला, ठोस सबूत का दावा। यूक्रेन में विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों से सामूहिक निकासी के आदेश, अनाथालय के बच्चों को सबसे पहले निकाला गया। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख अलेक्सी ने जताया रूस के उकसाने का खतरा, कहा कि यूक्रेन की सेना के हिंसा भड़काने का रूस का दावा झूठा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खतरे के बीच अमेरिका ने फिर दी चेतावनी, कहा रूस बाज नहीं आया तो कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार है अमेरिका। अर्जेंटीना के जंगलों में बेकाबू हुई आग, 8 लाख हेक्टेयर इलाका बर्बाद। तेज हवाओं की वजह से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर हवा में मंडराता रहा एक विमान। नॉर्थ यूरोप में आए तूफान की वजह से 196 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। ब्राजील में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन, पेट्रोलिस में भूस्खलन से भारी तबाही। भूस्खलन में अब तक 136 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग लापता, राहत बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कनाडा में पुलिस ने कैपिटल हिल से प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया, प्रदर्शन स्थल से हटे ट्रक ड्राइवर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी चेतावनी, रूस आने वाले दिनों में हमला करने की बना रहा है योजना। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में हमले को लेकर दी जानकारी, कहा कि कीव सहित यूक्रेन पर कर सकता है हमला, बाइडेन बोले रूस हमले की भारी कीमत चुकाएगा। यूक्रेन के डोनेटस्क में एक कार में जोरदार धमाका, कार के उड़े पर खच्चे, हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। यूक्रेन के अलगाववादियों वाले इलाके में हुआ धमाका, क्षेत्र सुरक्षा प्रमुख की गाड़ी में हुआ ब्लास्ट, यूक्रेन ने रूस के उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ एक्शन में अमेरिका, व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा युद्ध की स्थिति में रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। यूक्रेन में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने का दिया आदेश, अनाथालय के बच्चों को बसों से पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित जगह। लोगों के इलाकों को छोड़ने के आदेश के बाद पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, रूसी आक्रमण के डर से लोगों में है भय का माहौल। अर्जेंटीना के जंगलों में आग से भारी तबाही, करीब 8 लाख हेक्टेयर जंगल बर्बाद, आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम।
आग से वन्य जीवों को भी पहुंच रहा है भारी नुकसान। कई जानवरों की आग की चपेट में आकर मौत हुई। जंगल से भागते दिखाई दिए जानवर। अमेरिका के इलिनॉइस में बर्फीले तूफान का कहर। 100 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। सड़कों पर यातायात बाधित। कई जगह पर ट्रक फंसे। रेस्क्यू टीम सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कर रही है कोशिश। प्रशासन ने हाईवे को किया बंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।